Hello students, in this video we are going to complete lesson number 4 of your English reading portion, that is Wilbur Wright and Orville Wright. You must have heard this Wright brothers' name, and these two are the Wright brothers basically. They have invented aeroplane in 1903 mein in logon ne aeroplane invent kiya tha, in dono brothers ne milkar. और इन ब्रदर्स को ही राइट ब्रदर्स कहा जाता है, ठीक है, राइट ब्रदर्स कहते हैं इनको. एंड इन दोनों ने मिलकर, राइट ब्रदर्स ने मिलकर एरोप्लेन को बनाया था. बिफोर गोइंग टू दैट, वी शुड डिस्कस सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन दिस पोएम. दिस चैप्टर इज एक्चुअली अ पोएम, ए स्मॉल शॉर्ट पोएम, ठीक है, प्रेजिंग दिस टू ब्रदर्स. एंड द फर्स्ट वर्ड इज ट्राइंग, annoying और irritating. Trying का मतलब यहाँ पे है इस poem में annoy करना या किसी को परेशान करना, ठीक है. और grant means to allow, agree or accept, किसी को allow करना किसी चीज़ का, ठीक है. Steer means to guide, control and drive and navigate, किसी चीज़ को guide करना, control करना, is steer. Sick off means tired off, you are tired off, ठीक है, इसको बोलते हैं sick off. So as I have said, this poem is written in a very short form. And it is actually written to praise these two brothers, ठीक है, इन दोनों भाइयों को praise करने के लिए ये poem लिखा गया है, ठीक है. And so we'll straight away go to the poem and we'll see what are the lines, ठीक है. So said Orville Wright to Wilbur Wright, ठीक है, Orville Wright ने Wilbur Wright को कहा कि these birds are very trying, I'm sick of hearing them cheep cheep about the fun of flying. सो इन फर्स्ट फोर लाइन इट इज सेड दैट ऑर्विल राइट जो हैं वो विल्बर राइट को अपने भाई को कहते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ट्राइंग है, मतलब दे आर वेरी अनोइंग फॉर मी, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं. आई एम सिक ऑफ हियरिंग दैम चीप चीप, मैं उनसे टायर्ड हूँ, जो वो आवाज़ें निकालती हैं आसमान में, मैं उनसे टायर्ड हूँ जब वो फ्लाई करती हैं, अबाउट द फन ऑफ फ्लाइंग, और मैं उनके जो फ्लाई करने का तरीका है, उनका जो फ्लाई कर रहे हैं आसमान में, उसको देख कर भी मैं काफ़ी टायर्ड हूँ, ठीक है, मुझे परेशानी है इस चीज़ से. बेसिकली जो ऑर्विल राइट और विल्बर राइट हैं, ये बर्ड्स को देख कर ही इंस्पायर हुए थे एरोप्लेन को बनाने के लिए, ठीक है. तो जब वो आसमान में बर्ड्स को उड़ते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि किस तरीके से वो आसमान में उड़ पाते हैं, कैसे उड़ पाते हैं. तो उसी चीज़ को इंस्पिरेशन लेकर, उसी चीज़ का इंस्पिरेशन लेकर दे हैव मेड एन एरोप्लेन, ठीक है, टू फ्लाई इन द एयर. इन द नेक्स्ट लाइंस, द बर्ड हैज़ फेदर, इट इज़ ट्रू, यस बर्ड इज़ हैविंग फेदर्स. मैंने देखा कि बर्ड्स जो हैं उनके पास फेदर्स होते हैं, और ये बिल्कुल सच बात है. दैट मच आई फ्रीली ग्रांट, और इतना मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इतना मैं उन लोगों को अलाउ कर सकता हूँ कि यस दे हैव फेदर्स सो दे कैन फ्लाई. यस, तो यहाँ पे ये मुझे ये चीज़ मानना पड़ेगा कि जो बर्ड्स हैं वो, उनके पास फेदर्स हैं तो उनको तो फ्लाई करने का पूरा हक है. सो हियर आई हैव टू ग्रैंड देम अ फ्री फ्लाई. ओके, सो इन द नेक्स्ट लाइन, बट मस्ट दैट स्टॉप अस डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स हियर राइट, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे राइट है, ठीक है, उनका जो सरनेम है उसको यहाँ बोला गया है, ठीक है. सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं अपने भाई को कि क्या ये हमें स्टॉप कर सकता है, हमें रोक सकता है, ये बर्ड्स हमें रोक सकते हैं. सेड विल्बर राइट, इट्स शैंट, इट्स शैल नॉट, शैंट मीन्स शैल नॉट. ठीक है, शैल नॉट. तो विल्बर राइट बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. एंड फाइनली एट किटी हॉक, और फिर उसके बाद फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें एक एरोप्लेन बनाना चाहिए. और 1903 में, ये 1903 का मतलब है 1903, इसमें इन लोगों ने एरोप्लेन बना दिया. द फर्स्ट रियल एयरप्लेन रियली फ्लू, और 1903 में उन लोगों ने पहली बार एक अपना खुद का रियल एरोप्लेन उड़ाया. With Orville there to steer it, और Orville ने उसको उड़ाया. Orville मतलब जो विल्बर के दूसरे भाई हैं, Orville ने उसको उड़ाया. In the last four lines, and kingdoms may forget their kings, and dogs forget their bites. Kingdoms जो हैं, मतलब जो राज्य होती हैं, वो राज्य अपने kings को भूल सकते हैं,
डॉग्स अपने बाइट्स को भूल सकता है लेकिन बट नॉट टिल मैन फॉरगेट्स हिज विंग, लेकिन जो मैन है अपने विंग्स को नहीं भूल सकते जब तक विल मैन फॉरगेट द राइट्स, जब तक ये हम राइट्स को कभी नहीं भूलेंगे, मतलब जब तक हम अपने विंग्स को नहीं भूलेंगे तब तक हम अपने राइट्स को नहीं भूलेंगे। विंग्स का मतलब यहाँ बेसिकली है हमारे ड्रीम्स, ठीक है। कैसे इन दोनों भाइयों ने क्या किया, अपने ड्रीम्स को जो सोचा, जो उन्होंने जो ड्रीम देखा उसको वो पूरा की, ठीक है, मेहनत करके। ठीक उसी तरीके से जब तक हम मैन, हम इंसान अपने ड्रीम्स को नहीं भूलेंगे, ठीक है, तब तक हम कभी भी अपने राइट्स को, राइट ब्रदर्स को नहीं भूलेंगे। यहाँ पे राइट्स का मतलब है राइट ब्रदर्स, ठीक है। ठीक तो राइट ब्रदर्स को यहाँ पे कॉम्बिनेशन में बोला जा रहा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट राइट्स, मतलब उन लोगों ने इतना अप्रिशिएबल काम किया है कि उनको कभी भी ये दुनिया भुला नहीं सकती, लोग हमको भुला नहीं सकते, ठीक है, तभी तो हम उनको आज भी याद कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू। रोजमेरी एंड स्टीफन विंसेंट बेनेट ने इस पोएम को लिखा है एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द पोएम एंड इट वॉज अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट पोएम एंड इफ यू हैव, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोएम एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो इन दिस वे वी विल बी साइनिंग ऑफ, गुड बाय।